हेलो ऑल, आज मैं आपको चॉकलेट केक सिकल्स बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक बोल में चॉकलेट केक ले लिया है। ये होममेड चॉकलेट केक है। आप चाहें तो जो भी मार्केट में अवेलेबल हो आप वो वाला चॉकलेट केक यूज कर सकते हैं। एंड अब हमें इसे अच्छे से क्रम्बल कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे ओरियो बिस्किट, जिसे हमें क्रश कर लेना है। अब हम इसमें न्यूटेला डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है सो दैट इसमें प्रॉपर बाइंडिंग आ जाए। प्रॉपर बाइंडिंग लाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा और न्यूटेला ऐड कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल प्रॉपरली बाइंडिंग फॉर्म में आ गया है। सो हमारा केक्सिकल्स का मिक्सर रेडी है। अब हम केक्सिकल्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये मोल्ड ले लिया है। मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब हम इसे इसमें पोर करेंगे और इसे हमें पूरा फुली पोर करना है बिकॉज हमें इसके चारों साइड कवर चाहिए केक्सिकल्स बनाने के लिए। अब हम चॉकलेट को चारों तरफ घुमाएंगे सो दैट इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उनमें चॉकलेट स्प्रेड हो जाए। अब जितना भी एक्सेस चॉकलेट है उसे हम रिमूव कर देंगे। अब जो मोल्ड में लगी हुई चॉकलेट है उसे भी हम रिमूव कर देंगे। सो हमारा चॉकलेट चारों तरफ स्प्रेड हो चुका है अच्छे तरीके से। जितना भी एक्सेस चॉकलेट अगर आपको लगता है तो आप उसे रिमूव कर दीजिए। सो हमें इसमें यूज आता है आइसक्रीम स्टिक एंड आइसक्रीम स्टिक को इंसर्ट करने के लिए भी उसमें स्पेस दिया हुआ है। सो अब हम उधर पे आइसक्रीम स्टिक को इंसर्ट करके स्पेस बना देंगे। अदरवाइज अगर चॉकलेट ड्राई हो गया तो वो भी स्पेस बिल्कुल फिल हो जाएगा। सो अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में 2 to 3 minutes के लिए। सो हमारा चॉकलेट बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हमें इसके एजेस स्ट्रॉन्ग करने हैं इसलिए हम इसमें डबल कोटिंग कर रहे हैं।
ध्यान रहे जो एरिया स्टिक के लिए छोटा हुआ है उसे हमें कवर नहीं करना है। हमने डबल कोटिंग कर दिया है इसमें। अब जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है मोल्ड में हम उसे भी रिमूव कर देंगे, एज मेरा चॉकलेट ऑलरेडी नीचे से ठंडा था तो जो हमने डबल कोटिंग किया है वो भी चॉकलेट ठंडा हो चुका है। अब बस हम इसके कॉर्नर्स क्लीन कर देंगे। और जो आइसक्रीम स्टिक वाला पार्ट है उसे भी हम क्लीन कर देंगे। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए 2 to 3 minutes के लिए। एज चॉकलेट ऑलरेडी फ्रीजर में था तो मेरे चॉकलेट ऑलरेडी उसमें सेट हो चुका है, सेकंड लेयर भी। बट अगर आपका लेयर सेट नहीं हुआ है तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए 2 to 3 minutes के लिए। सो अब हम इसमें अपना मिक्सचर डाल देंगे जो हमने प्रिपेयर किया था। ध्यान रहे हमें इसे पूरा फिल नहीं करना है बिकॉज हमें इसे ऊपर से भी कवर करना है चॉकलेट से। सो अब हम इसको कवर कर देंगे मेल्टेड चॉकलेट से। अब जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे हम हटा देंगे इसमें से। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है कि मैंने स्टिक बाद में इंसर्ट की है, जबकि हमें स्टिक बाद में नहीं, कवरिंग के बाद में नहीं, उससे पहले ही स्टिक को इंसर्ट कर देना है मोल्ड्स में। सो ये आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जहाँ पे मैंने प्रॉपर टेक्निक बताई है कि स्टिक को पहले हमें इंसर्ट करना है, बाद में इसको चॉकलेट से कवर करना है। अब जितना भी एक्सेस चॉकलेट है उसे हम रिमूव कर देंगे। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए 10 टू 15 मिनट्स के लिए। सो हमारे केक्सिकल्स बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब इन्हें हम बड़े ही ध्यान से और धीरे से निकालेंगे। देखिए इसी मिस्टेक के कारण मेरा जो केक्सिकल का स्टिक है और केक्सिकल्स है वो अलग अलग हो गया था, इसीलिए हमें पहले ही आइसक्रीम स्टिक को इंसर्ट करके रखना है। सो अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है मैं उसे रिमूव कर दूंगी।
सो देखिए बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ गया है। ऐसे ही जो रखे हुए और दूसरे केक्सिकल्स हैं उनको भी हमें प्रॉपर शेपिंग करना है। सो ये मैंने बटर पेपर लिया है, अब हमें इसकी गार्निशिंग करनी है। सो डेकोरेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट, जिसकी हम ड्रिपिंग करेंगे। सो ये मेरे पास है एक पाइपिंग बैग, इसमें मैंने व्हाइट चॉकलेट फिल कर लिया है एंड अब मैं इसमें ड्रिपिंग करूंगी। अब हम इसमें कुछ स्प्रिंकल्स ऐड करके इसका डेकोरेशन कंप्लीट करेंगे। डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसे रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए 5 to 7 minutes के लिए। सो हमारे केक्सिकल्स रेडी हैं।